हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत स्पेशल डे है। इस दिन को और अधिक स्पेशल बनाने के लिए हम बनाने वाले हैं तिरंगा बर्फी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। हम इस बर्फी में फूड कलर यूज़ करेंगे, तो आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस बर्फी को बनाएंगे हम खोए से। यहाँ मैंने घर का बना खोआ लिया है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसको हम स्पून की मदद से अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे। ये हमारा खोआ अच्छे से क्रम्बल हो चुका है। अब हम पैन को गरम कर लेंगे और इसमें अपने खोए को डाल देंगे। ये खोआ हमें अच्छे से भूनना है। गैस को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा खोआ बिल्कुल भी पैन में नहीं चिपक रहा है, क्योंकि ये घर का बना हुआ खोआ है। अगर आप मार्केट से खोआ लेते हैं तो सबसे पहले पैन में घी लगाएं, उसके बाद में इसको भूने। अब ये खोआ अच्छे से भुन गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 4 घंटे हो चुके हैं, खोआ हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे किसी दूसरे बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अगर हमारा खोआ हल्का सा भी गर्म रहेगा तो वह शुगर पाउडर डालने पर पतला हो जाएगा और इसकी बर्फी भी अच्छे से नहीं जमेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर और इलायची पाउडर और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके 3 पार्ट्स कर देंगे। 3 पार्ट्स हम इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें ट्राई कलर बर्फी बनानी है। ये हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम 1 पार्ट लेंगे और इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे और इसमें ऑरेंज कलर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कलर भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम तीसरे पार्ट को वाइट ही रहने देंगे। अब मैं एक कंटेनर लूँगी, आप थाली भी ले सकते हैं। इसमें मैंने पहले से ही घी लगा रखा था। अब इसमें ग्रीन पार्ट डालकर स्प्रेड कर देंगे। अब हमारी ग्रीन लेयर अच्छे से बन गई है। अब हम इसमें वाइट पार्ट डालकर भी स्प्रेड कर देंगे। ये वाइट लेयर भी तैयार है। अब हम इसमें ऑरेंज पार्ट डालकर इसे भी इसी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। ये हमारी तीनों लेयर्स तैयार हैं। अब हम इसे गार्निश करेंगे कुछ कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू से और इसे ऐसे ही 4-5 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे। अब 4 घंटे हो चुके हैं, हमारी बर्फी भी बहुत अच्छी बनी है। इसके अब हम पीसेस कट कर लेते हैं। आप अपनी मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। देखिए हमारे पीसेस कट चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बर्फी कितनी कलरफुल और टेस्टी लग रही है और ये बिल्कुल ऐसी ही परफेक्ट बनी है जैसा हम चाहते थे। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।